वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो फॉर क्लास 4 सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर नंबर 4 एंड दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 28. इन योर लास्ट वीडियो वी सॉ दैट व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ वर्ड एंड व्हाट इज़ वर्ड एंड व्हाट आर वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट दैट व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ वर्ड 2010 विंडो. हमने आपके लास्ट वीडियो में देखा था कि हम वर्ड का इस्तेमाल किन चीज़ों के लिए करते हैं और वर्ड के जो अलग अलग फीचर्स हैं यानी जो गुण हैं वो क्या हैं. ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एमएस वर्ड का विंडो है 2010 एमएस वर्ड का, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट अस हैव अ लुक एट द पार्ट्स ऑफ द वर्ड 2007 विंडोज. ठीक है, तो पहले कॉर्नर में यहाँ पे आपका क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार इसलिए होता है कि आप कुछ जो आपके कमांड्स होते हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हो उनको आप जल्दी से ओपन कर सके. ठीक है, फिर टाइटल बार है. टाइटल बार क्या करता है, टाइटल बार आपको डॉक्यूमेंट का नाम बताता है और साथ में कौन सा प्रोग्राम चल रहा है उसका नाम बताता है. जैसे अभी वर्ड चल रहा है तो यहाँ पर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और कौन सा डॉक्यूमेंट है नाम, तो डॉक्यूमेंट 1. ठीक है, फिर है रिबन. रिबन जो एरिया होता है वो आपका ये पूरा एरिया होता है, ये पूरा आपका रिबन में आता है जिसमें क्या करते हैं आप अलग अलग ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, फिर है फाइल टैब. फाइल टैब में क्या होता है कि आपका अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं. ठीक है, जैसे सेव, ओपन, ये सब वाले ऑप्शंस आपको फाइल टैब में मिलेंगे. उसके बाद है रूलर. ठीक है, रूलर का काम क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि रूलर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, मेजरमेंट्स करने के लिए. तो रूलर आपको बताता है कि आपके पेज पे आपने कितना मार्जिन छोड़ा है, कहाँ से लिखना स्टार्ट किया है, आपके पेज पे जो आप लिख रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है. तो ये सारी चीज़ें क्या किसका काम है बताना, तो रूलर का काम है. फिर है स्क्रोल बार. स्क्रोल बार का क्या काम होता है कि आपका एक पेज जो लंबा हो जाता है, ठीक है, तो आप स्क्रोल बार को ऊपर नीचे करके पेज के ऊपर नीचे जा सकते हैं. फिर ये जो आपका एरिया है पूरा खाली ब्लैंक एरिया, वाइट एरिया जहाँ आप लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया. ठीक है, डॉक्यूमेंट एरिया क्या हो गया, जहाँ आप अब डॉक्यूमेंट को टाइप करेंगे. फिर है ये जो लाइन होती है वर्टिकल लाइन, जहाँ जो ब्लिंक करती है जहाँ से आप लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं कर्सर. ठीक है, कर्सर बोलते हैं. कर्सर का काम क्या होता है कि ये जहाँ पे भी रहेगा आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वहाँ से टाइप होना स्टार्ट होगा. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, कर्सर हो गया. लास्ट में है आपका सबसे बॉटम में स्टेटस बार. ठीक है, तो स्टेटस बार का क्या काम होता है, तो स्टेटस बार का काम होता है कि डॉक्यूमेंट के बारे में वो हमें इंफॉर्मेशन बताता है. ठीक है, जैसे कि क्या कि आपने कितने वर्ड्स लिख लिए, उसके बाद है ये कौन सा नंबर पेज है आपके डॉक्यूमेंट का. मान लीजिए कि अगर आपके पूरे फाइल में 6 पेजेस हैं, मतलब एक पूरे टॉपिक पे 6 पेजेस हैं, तो वो क्या करेगा, आपको बताएगा कि आप उन 6 पेजों में कौन से पेज पे हैं अभी. ठीक है, दूसरे, तीसरे, चौथे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे वो बताता है. यहाँ नीचे लिखिए कि पेज 1 of 1 है, और अगर आप 6 पेज के डॉक्यूमेंट में लिख रहे होंगे तो ये बताएगा कि पेज 3 of 6 है. ठीक है, ये इसका काम हो गया. उसके बाद ये आपको बताएगा कि आप जो इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं वो इंग्लिश कहाँ की है, मतलब आप अलग अलग इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये वो आपको बताएगा. ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, जब ये तो लेफ़्ट कॉर्नर हो गया जहाँ आपको बताएगा पेज नंबर, वर्ड काउंट और साथ में आपका इंग्लिश, मतलब लैंग्वेज जो आप चूज़ करके लिख रहे हैं. राइट साइड में क्या होता है, इसमें आपको मैग्नीफाई का ऑप्शन होता है, आप डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं, जूम हटा सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा अलाइनमेंट के ऑप्शंस होते हैं. ठीक है, तो ये जो आपका हो गया ये आपको कहाँ मिलता है, स्टेटस बार में, बगल में ये सारी चीज़ें रहेंगी. ठीक है, तो ये आपका विंडो हो गया. ठीक है, मैं एक बार और नाम बोल देती हूँ सबके, टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, फाइल टैब, रूलर, कर्सर, रिबन, स्क्रोल बार, डॉक्यूमेंट एरिया और स्टेटस बार. ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यहीं पे रहने देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इनका पार्ट्स का नाम अलग से और उसका डिस्क्रिप्शन भी साथ में पढ़ेंगे. आज के वीडियो में इतना ही. थैंक यू.